मैं चंद्रा द फुल वॉल्यूम के इस करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। इस सेक्शन में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। प्रश्न एक, किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रुचि शर्मा, ऑप्शन बी राज चेट्टी, ऑप्शन सी रतनलाल, ऑप्शन डी प्रणव वर्धन। और सही उत्तर है ऑप्शन सी रतनलाल। प्रश्न दो, किस आईटी कंपनी द्वारा दुनिया भर के विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस समर ऑफ आइडियाज पहल शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी इंफोसिस, ऑप्शन सी टेक महिंद्रा, ऑप्शन डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी इंफोसिस। प्रश्न तीन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक पर उसकी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए द दिल्ली स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी द कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी सरस्वत सहकारी बैंक। और आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। प्रश्न चार, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों हेतु पंचवटी योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। और आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न पांच, किस राज्य सरकार ने राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न छह, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई जगन्नाथ चेदोडू योजना के तहत दर्जियों, नाइयों और धोबियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2,000 रुपए, ऑप्शन बी 5,000 रुपए, ऑप्शन सी 15,000 रुपए, ऑप्शन डी 10,000 रुपए। और आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी 10,000 रुपए। प्रश्न सात, प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व टोनी ड्यून का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। और आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी फुटबॉल। प्रश्न आठ, डेनियल के रूप में प्रसिद्ध खिलाड़ी ओलेसेंडर गोब्ज़डिक किस देश से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी उज़्बेकिस्तान। आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए यूक्रेन। प्रश्न नौ, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लीसा सिंह, ऑप्शन बी बिनोय कमार्क, ऑप्शन सी सुरेश राजन, ऑप्शन डी शोभा शेखर। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शोभा शेखर। प्रश्न 10, किस विभाग ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन डी इसरो। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एवं उनके विवरण। आइए नजर डालते हैं अब कुछ संक्षिप्त सवाल जवाब पे। किस देश की सरकार ने सोहो जोदा नामक एक पहल शुरू की है? और जवाब है बांग्लादेश। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और जवाब है 12 जून। जलमग्न बचाव वाहन का अनावरण कहाँ किया गया? और जवाब है विशाखापट्टनम। आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वॉशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोडू योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? और इसके जवाब है आंध्र प्रदेश। किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? और जवाब है शोभा शेखर। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? और जवाब है हिमाचल प्रदेश। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए किस नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया गया है?
और जवाब है बिन 19 और यूवी स्पॉट। यूरोपीय कप डिफेंडर टोनी ड्यून का निधन हो गया, वे किस टीम से खेलते थे? और जवाब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। किस देश ने हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट को चालू करके एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? और जवाब है भारत। योजना आयोग के पूर्व सदस्य ए वैद्यनाथन का निधन हो गया, वे किस अवधि में योजना आयोग के सदस्य थे? और जवाब है 1962 से 1972 तक। विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किस विभाग द्वारा किया गया है? और जवाब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहे द फुल वॉल्यूम के साथ। धन्यवाद।